मशरूम 200 ग्राम लगभग बा, मशीन उल्टा बा, एसर वालों को शायद 500 दू दिखे लेकिन 200 ग्राम करीब बा। और एकदम देखिए फ्रेश मशरूम बा, सादा एकदम कलर बा एकर, तो बहुत ही अच्छा मशरूम आज हमरा मार्केट में मिलल। तो हम सोचनी कहे ना सूप बनावल जाओ। ये देखिए लहसुन बा, छिलल लहसुन हम हमेशा रखे नहीं फ्रिज में स्टोर करके, जैमे कि तेल डाल के रखे नहीं तो का लहसुन बहुत दिन तक चलेला। तो ये लहसुन बा करीब 40 ग्राम है में, और मशरूम के अच्छा से अब धो लिहल जाओ। ऐसे तो साफे बा मशरूम, थोड़ा बहुत हल्का फुल्का कुछ लागल बा तो धो लिहल जाओ। हल्का हल्का ब्राउन कलर जो दिखत है वो एक आपन कलर है, वो गंदा ना है। खाली हम पानी के अच्छा धार में धो ले रहल बने ताकि जोन भी थोड़ा बहुत भी डस्ट लाल लोग मिट्टी लागल होके तो धुल जाए। प्रणाम सभी के, बहुत बहुत स्वागत बा हमारे चैनल में जेकर नाम खान पान इन भोजपुरी। आज हम सोचनी है कहे ना मशरूम सूप बना ली। अभी तक तो रुवा लोग के सामान देख के लागे गई हुई कि मशरूम से रिलेटेड ही कुछ बना रहल बनी, तो चले के मशरूम में ऐसे ज़्यादा सामान ना लागेला। देखिए के काका लागी थोड़ा ही सामान लागेला। मशरूम बहुत ही हेल्दी आइटम है और आजकल बहुत ही पॉपुलर आइटम हो गई बा, सभी कोई खाएला। तो चले के फिर किचन में, रुवा लोग के वीडियो अच्छा लागी तो लाइक और शेयर जरूर करब लोग। आज पहला बार देख रहा बा वो सब्सक्राइब कर ले प्लीज। सब्सक्राइब के बगल में एगो घंटी के रहेला, वो घंटी प्लीज दबा दे और प्रेस कर दे तो रुवा लोग के हमेशा हमार नया वीडियो दिखत रही। तो यानी देखी एक टीस्पून हम गोल मिर्च पाउडर ले ले बनी और नमक स्वाद अनुसार, और एक टेबल स्पून बटर लगी मक्खन हमें में गार्लिक फ्लेवर अमूल बटर ले ले बनी। रुवा कोई भी मक्खन ले सके नहीं लेकिन मक्खन ही यूज करे के हुई सूप में, तबे सूप के टेस्ट बहुत अच्छा आवेला। तो ये देख ली तीने गो ये आइटम बा, मशरूम और गार्लिक बा लहसुन, टोटल 5 गो आइटम बा, और एगो सूखा लाल मिर्च भी लागी। तो ये मशरूम कटल मशरूम देख ली, बहुत ही सॉफ्ट होकेला, आराम से कट जाला, देखे में भी बहुत सुंदर लागेला मशरूम। तो हम इके अब तवा गरम कर ले गए, एगो पैन में हम गैस पे एक मिनट खाती तवा गरम कर ले बनी, थोड़ा डीप वाला पैन बा। कभी भी मक्खन डालने से पहले को तेल डाल देवे के चाहिए, थोड़ा सा तेल, और के बाद मक्खन डाले के चाहिए तो थोड़ा सा तेल डाल के मक्खन डल ले बनी, ना तो का होला मक्खन जल जाला। तो देखिए तवा एकदम गरम हो गई बा, पैन एकदम गरम बा, तो इसमें मक्खन अभी गल रहल बा। गलत गलत में ही हम लहसुन डाल दे भे में, क्योंकि मिक्सी में लास्ट में पीसे ही के बाद लहसुन हुआ ना ही हो काटब तो चली। हम यहाँ साबुत लहसुन डाल देते नहीं और थोड़ा सा चला ले, उसका बाद हम इसमें मशरूम डाल दे। तो अब मशरूम डाल देवे के, मशरूम बहुत जल्दी ही गल जाला लेकिन तनी पानी छोड़ेला। तो हम ही केक रखे मध्यम आँच में बनावे के, स्लो फायर पे, मीडियम रही एक फ्लेम गैस के, और हल्का सा चलाए के, ज़्यादा चलाए के भी ज़रूरत नहीं के, एक रखे थोड़ा सा छोड़ देवे के ताकि पानी छोड़ दे। नमक हम नहीं डल ले अभी, पानी छोड़ के सूख जाए, उसके बाद हम नमक और काला मिर्च पाउडर डालो। लाल मिर्च भुला गई बानी, एगो लाल मिर्च अभी हम डाल देते नहीं, सूखा लाल मिर्च बाई तेकरा से टेस्ट और बहुत बढ़िया आ जाला। तो तनी तनी देखी भुनाए लागल बा मशरूम, हल्का ब्राउन कलर हो गई बा, गोल्डन कलर हो गई बा, और पानी भी थोड़ा छोड़ ले बा। तो थोड़ा सा और मतलब सुखाए के ज़रूरत बा एकरा के। अब देखी थोड़ा देर में मशरूम के पानी सब सूख गई बा, तमें के में थोड़ा सा स्वाद के हिसाब नमक डाल देवे के, और एक बाद काले मिर्च पाउडर जितना ले ले रहनी सा वो थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का छिड़क के पूरा डाल लेवे के, ताकि खुशबू आवे, अच्छा फ्लेवर आवे बढ़िया से। और एक बार फिर से हमें के एकरा के चला लेवे के, ताकि गोल मिर्च पाउडर नमक बढ़िया से हमें मिल जाए। और एकरा के हमें के ठंडा करके मिक्सी के जार में पीस लेवे के। एकरा के जितना गाढ़ा रहुआ रखेगा उस हिसाब से पानी रहुआ दे सके नहीं, मिक्सी के जार में थोड़ा सा पानी दे सके नहीं, उसके बाद रुआ दी ज़्यादा गाढ़ा लगा था तो फिर रुआ पानी मिला सके नहीं। तभी देखी जार में डाल दे ले बनी, ठंडा हो चुकल बा मशरूम, थोड़ा सा मैं आधा कप पानी डाल रहा बनी ताकि अच्छे से पिसा जाए।
ये देखिए पिसा गई बा, तुम एगो पैन में डाल ले बनी। इतना गाढ़ा रहे के चाहिए, ना ज्यादा गाढ़ा ना ज्यादा पतला, तो रुआ अपना अकॉर्डिंग पानी मिला सके नहीं। अब प्लेटिंग कर लेवे के, तो हम सूप बोल में देखिए अब सूप डाल ले बनी मशरूम के, बहुत सुंदर स्मूथ बनल बा। सजाए खाती अमूल फ्रेश क्रीम ले बनी हम, रुआ घर के भी अच्छा से फेटल क्रीम ले सके नहीं। देखी ई क्रीम से हम सजा रहा बनी, तो सजाए से ऊपर से का ही बड़ा सुंदर लागेला, और सफ़ेद क्रीम मशरूम के कलर के ऊपर बड़ा सुंदर उभरेला। तो एगो सॉस वाला छोटा बॉटल में भी रुआ भर के ले सके नहीं, जैसे हम कर रहा बनी डॉट डॉट डाल के। कोई भी टूथपिक से या पतला कगुई लकड़ी से, जो भी घर में लकड़ी पतला हो के टूथपिक से भी बहुत अच्छा बन जाला, इसे रुआ घुमाते। तो देखिए छोटा छोटा पत्ता लिखा शेप शेप। तो ये शेप बनेला के बाद थोड़ा हम टेस्ट कर ली कैसन बनल बा। तो रुआ लोग देखी लोग हम अपनी सब पिए के बतावत नहीं कि कैसन बनल बा, देखे से तो बहुत बढ़िया ही लगा था। धन्यवाद।